बिहार से मुंबई आ रही पवन एक्सप्रेस में लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पास लूटपाट का मामला सामने आया है। इस वारदात में पवन एक्सप्रेस में यात्रा कर रही पीड़ित मां बेटे का पैर भी टूट गया। फिलहाल दोनों को घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज शुरू है। जानकारी के मुताबिक ये वारदात 7 नवंबर की रात तकरीबन 1 बजे की है, जब पवन एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनस के आउटर पर खड़ी थी। उसी समय बेटा स्टेशन पर उतरने के लिए सामान को दरवाजे के पास रख रहा था, जबकि उसकी मां सामान की देखरेख कर रही थी। तभी नीचे से एक शख्स ने महिला के हाथ का पर्स खींचना शुरू किया, लेकिन जब महिला ने तमाम कोशिशों के बावजूद पर्स नहीं छोड़ा, तब लुटेरे ने महिला के पर्स की डोर को चाकू से काट दिया। हालांकि इसी छीना झपटी में महिला ट्रेन से नीचे गिर गई। मां को ट्रेन से नीचे गिरते देख उसका बेटा भी हमलावर लुटेरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। इस कोशिश में वो भी ट्रैक पर गिर गया, जिसके चलते दोनों मां और बेटे बुरी तरह से जख्मी हो गए और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। घायल अवस्था में दोनों को मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के पर्स में 4 लाख रुपए से ज्यादा के गहने, कैश और मोबाइल थे। घटना के बाद से ही पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक हमलावर लुटेरे गिरफ्तार नहीं हो चुके हैं। मुंबई की लोकमान्य ट्रेन से लेकर लंबी दूरी की गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाजा आरपीएफ के जवान ट्रेन में तैनात किए जाते हैं, जो यात्रा की शुरुआत से लेकर सफर के आखिरी पड़ाव तक ट्रेन में रहते हैं। बावजूद इसके लंबी दूरी की गाड़ियों में इस तरह की घटनाएं अपने आप में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाजा से कई सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।